सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना, क्योंकि हम चोरी नहीं किए हैं, हम चोरी का पैसा नहीं खाए हैं, अपना मेहनत का पैसा हम खाए हैं। लॉन बॉल में गोल्ड मेडल जीतने वाली सरिता तिर्की की बेबस जिंदगी की क्या है सच्चाई? आदिवासी महिला खिलाड़ी सरिता तिर्की को किसने दी धमकी? क्यों आज वो रो रही है? क्यों वो कह रही है कि मैं चोर नहीं हूं? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगा रही है गुहार। दाई और रेजा का काम कर रही देश और राज्य के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी सरिता तिर्की मायूस है, दुखी है कि अपने राज्य में मान सम्मान नहीं मिला। सरिता तिर्की एक अधिकारी पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, धमकी दी। सरिता तिर्की एक गरीब आदिवासी परिवार की बेटी है जिसने बचपन से तकलीफ को देखी है। कई सारी परेशानियों से जद्दोजहद करते हुए अपनी किस्मत संवारने के लिए खेल की ओर रुख किया। इस आदिवासी बेटी ने अपनी मेहनत और लगन से खेल के मैदान में अपनी क्षमता साबित की। गोल्ड मेडल से लेकर कई सारे मेडल और प्रशस्ति पत्र मिला। राज्य और देश के लिए लॉन बॉल खेली। विदेश में भी इस बेटी ने राज्य और देश का नाम रोशन किया। सरिता लॉन बॉल खेलकर अपने सपने को पूरा करना चाहती थी। अन्य खिलाड़ियों की तरह मान सम्मान सब कुछ पाना चाहती थी, इसलिए वो बिना खाए पिए खेल के मैदान में संघर्ष करती रही। और क्या बताएं आप लोगों को, मेरा घर का स्थिति ऐसा है ना कि नमक भात खाते थे वहाँ पे हम लोग। माँ देती थी 300 रुपया प्रैक्टिस करने के लिए महीना भर का, उसको हम मतलब एक होता है ना सब खाते थे बाहर का सामान सब खरीद खरीद के, लेकिन हम पैसा बचाने के चलते खर्च ना हो पूरा महीना मेरा नहीं चलेगा ये पैसा अगर हम खा जाएंगे तो, हम खाते थे नहीं, अपना इच्छा को मार के हम वो पैसा को रखते थे और एक महीने की तरह से हम चलाते थे। हम जो चाहते थे वो हुआ नहीं मेरे साथ। इतना मेहनत करके इतना दुख झेल के हम प्रैक्टिस जाते थे, मैच खेले, मेडल लिए, तो भी सर इतना हेल्प नहीं करे तो क्या फायदा मेरा, इतना भूखे प्यासे इतना हम प्रैक्टिस किए, दुख को साइड रख के हम मेडल जीतने की कोशिश किए, नहीं दिखा सर से क्या उम्मीद कर सकते हैं। विभाग भी गए तो विभाग में भी वही धमकी सारा दिया, तो क्या कर सकते, अब हिम्मत नहीं है हमको किसी से बात करने का ना सर के पास जाने का, एकदम सा हार गए हैं हम कि अब ना जो होगा अब देखा जाएगा, जो मिलेगा हम लोग नमक भात तो नमक की भात खा के जिएंगे, लेकिन नहीं अब किसी के पास बोलेंगे। खेल में सफलता मिली, मेडल्स भी मिले और सरिता तिर्की को सब कुछ नहीं मिला जिसका वो हकदार है। गोल्ड मेडल जीत के आए तो ऐसा कुछ नहीं, बस एक आम इंसान खेल के आए और घर में बस भात दाल खाए हो गया, ऐसा कुछ सम्मानित कुछ नहीं हुआ। तो लगता है हम झारखंड के लिए खेलते हैं और कुछ मदद नहीं मिलती है तो हमको खराब लगता है, क्यों खेल रहे हम देश के लिए, हमको नहीं खेलना चाहिए। मेरा दुख को ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मेरा दुख में कुछ हेल्प ही नहीं कर रहे तो हमको क्या चाहे मदद मिलेगा, इतना हम डांट सुन के आए हैं, इतना घर में तकलीफ है तो भी हम अपना किसी से कर्ज लेके हम प्रैक्टिस जाते हैं, तो मेरा दुख में ना मुख्यमंत्री हेल्प कर रहा ना विभाग वाला हेल्प कर रहा, तो हम किस लिए खेले, यही से ही खिलाड़ी लोग सुसाइड करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि उसको हेल्प नहीं मिलता है तो क्या करेगा अंत में,
सोसाइटी ना करेंगे, और वैसे ही हम खाना पीना भी छोड़ दे रहे सर टेंशन से कि सर मेरे ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लगाए हैं कि हम तेरे केस कर देंगे, तुम पैसा लिए उनका हम रिटर्न मांगेंगे, ऐसे उसका टेंशन, हमको नींद नहीं आ रहा है ना, हम खाना दिन भर में भी खाना भी नहीं खाए, हस्बैंड मेरा बोल रहे कि नहीं उसका टेंशन मत लो हो जाएगा काम, लेकिन भी हमको खाने का एकदम इच्छा नहीं। आज गोल्ड मेडल जीतने वाली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सरिता तिर्की अपनी बेबस जिंदगी पर आंसू बहा रही है, अपने आप को कोस रही है, कारण कि उसने बताया कि वो खेल विभाग के एक अधिकारी से मिलने गई थी, उक्त अधिकारी ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसे धमकी दी और ये भी कहा कि केस कर देंगे। बस इसी बात से विचलित हो गई है सरिता तिर्की, न वो ठीक से सो पा रही है न खाना खा रही है। सरिता का कहना है कि गरीब जरूर है पर चोर नहीं है। रोने का तो मन करता है लेकिन किसके पास रोएंगे, कोई ऐसा है ही नहीं है मालो कि हम रोक के अपना दर्द बता सके। अपने बेड में जाते हैं और अब रो जाते हैं, किसी को एहसास होने नहीं देते हैं कि हम रो रहे हैं, ताकि हम रोएंगे तो माँ लोग मेरा हस्बैंड वो परेशान होगा कि ये क्यों रो रही है वैसा, तो इसलिए हम किसी को झलकने नहीं देते हैं कि हम रो रहे हैं। तो सर थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, मेरा बस यही रिक्वेस्ट है, हम मेरा टेंशन बहुत ज़्यादा हो गया सर, तो थोड़ा सा हेल्प आप कर दीजिएगा तो मेरा बहुत मेहरबानी हो जाएगा सर। हम मेरा मायके में भी वही स्थिति है और यहाँ पे भी स्थिति वही है सर, तो प्लीज़ सर आप मेरा हेल्प कर दीजिए, नौकरी भी दिलवा दीजिए सर, थोड़ा सा कुछ भी नौकरी, ज़्यादा तो मेरे माँ बाप लोग नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन भी कुछ भी आप नौकरी हमको दे दीजिए तो हम लेने के लिए तैयार हैं सर। और उसके बाद हम गए थे मदद के लिए भी मोराबादी, लेकिन डायरेक्टर सर ने बस, डायरेक्टर सर को हम बस इतना ही बोले कि सर मेरा कैश ऑर्डर छात्रवृत्ति और रुका हुआ है, उसके बाद वो तो सुने और उसके बाद तो पूरा हमें क्या क्या बोलने लगे कि तुम बिहार से खेलती हो, तुम झारखंड में पैसा लेती है, ये वो पूरा केस कर देंगे, जो पैसा सरकार ने दी है तुम्हें वो पैसा रिटर्न कर देंगे, वैसा धमकी, हम इतना बड़ा धमकी सर, हम एक गरीब हैं, हम पैसा नहीं लिए हैं सर, आपको बिहार से पैसा मिला है 10,000 रुपये मिला है गोल्ड मेडल का वो भी, और यहाँ पे झारखंड सरकार ने 7,00,000 रुपये सबको दिए हैं, लेकिन हम लोग को बिहार सरकार ने 10,000 रुपये खाली दिए हैं, और ऊपर से उतना धमकी धमकी, हमको खाना पीना खाना भी नहीं गला से उतर रहा, नींद आ रहा है हमको, इतना बड़ा धमकी कभी हमको इतना बड़ा धमकी नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे जाने से हमको इतना बड़ा धमकी मिला कि हमें से सहा ना जा रहा है, तो हम लोग को हक के वहाँ पे जानना जाके जानना, लेकिन इतना ज़्यादा बात बोल दिए सर कि अपना पूरा मेरा बदन कांपने लगा डर के मारे, फर्स्ट बार मेरा था डायरेक्टर सर से मिलना, उतना दिन हम खेले 2007 से लेकिन कभी उनसे नहीं मिले थे, हम विभाग गए थे लेकिन नहीं मिलने पाए, नहीं मिलने पाते थे, लेकिन मेरा कल फर्स्ट बार था कि डायरेक्टर सर से मिलना, लेकिन डायरेक्टर सर तो इतना सारे बोल दिए बात कि मेरा डर से पूरा शरीर कांपने लगा, खाना भी दम खा रहे हैं तो वही सर का याद आ जा रहा कि हमको उस तरह से क्यों बोला, नींद आ रहा आँख मूंद रहे तो वो ध्यान में आ जा रहा कि हमको वो सर क्यों बोले, हम लिए ही नहीं है झारखंड में पैसा नेशनल गेम का और वैसा हमको बदनाम कर दिए, हम लिए नहीं है, हम गलती नहीं किए हैं, तो हमको जो बदनाम करता है ना तो मैं सर सहा नहीं जाता, क्योंकि हम चोरी नहीं किए हैं, हम चोरी का पैसा नहीं खाए हैं, अपना मेहनत का पैसा हम खाए हैं, इसलिए हमको वो बदनाम कर दिए, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ
क्योंकि मेरा माँ बाप लोग वैसा नहीं बोले हैं, चोरी करो, ये चोरी की है, ये करो, आज तक नहीं बोला है। ना हम, मेरा वैसा सोच है कि हम चोरी चपाटी करके खाएं, सरकार के पैसा हम कभी चोरी करके हम नहीं खाएंगे, हम मेहनत करेंगे। जब तक नहीं हम मेडल पाएंगे, जब मेडल लेंगे तब पैसा सरकार देगी तो खाएंगे, नहीं देगी तो हम नहीं खाएंगे वो सरकार का पैसा। वो बहुत दुखी है, सिसक सिसक कर बच्चों की तरह रोती है। खेल के मैदान में गोल्ड मेडल जीतने वाली बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार वाकई पूरी व्यवस्था की पोल खोलता है कि कैसे एक अधिकारी महिला खिलाड़ी के साथ दुर्व्यवहार करता है। सरकार तमाम योजनाएं लाती है, लेकिन अधिकारियों के लापरवाही के कारण सरकार की किरकिरी होती है। ऐसे अधिकारियों पर सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। सविता तिर्की अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहती है। वो चाहती है कि जो उसका हक और अधिकार है वो मिल जाए, सरकारी सहायता मिल जाए। इसलिए बार बार हाथ जोड़ती है, रोती है, गड़गड़ाती है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मदद की गुहार लगाती है। हेमंत सोरेन सर को बोलना ही इतना चाहते हैं कि सर हम बहुत ज्यादा दुख में हैं, तो आप हेल्प कर दीजिए। जो मेरा पैसा रुका हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, जो 2020 में हम खेलने गए थे, एशिया खेलने गए थे, उनका पैसा पास करा दीजिए। और जो सीधी नियुक्ति का हम लोग निकला हुआ था, वो फॉर्म वॉर्म भरे थे, उनका बस जॉब जल्दी से जल्दी दिलवा दीजिए सर। बहुत ज़्यादा लेट हो रहा, नौकरी में भी लेट हो रहा है और मेरा वो पैसा रुका हुआ वो उसमें भी लेट हो रहा है सर। फुटबॉल का भी कैंप लगा सकते हैं तो क्यों नहीं, हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, फर्स्ट बार मेरा है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो क्यों नहीं मेरे लिए कैंप आप लगा सकते हैं। झारखंड का 4 लोग हैं हम लोग, 2 लड़का और 2 लड़की, उनके लिए क्यों नहीं आप लोग कैंप लगा सकते हैं। फुटबॉल के लिए हर चीज के लिए फैसिलिटी दे रहे हैं उन लोगों को, तो क्यों नहीं हम लोगों को भी फैसिलिटी वही दिया जा रहा है। अभी तो लॉकडाउन के कारण अभी तो नहीं जा रहे और प्रैक्टिस भी नहीं हो रही है, तो लॉकडाउन जैसे खुलती है तो हम लोग का प्रैक्टिस भी चालू हो जाएगा और हम लोग का वहाँ का खेलने भी जाएंगे। हम लोग टिकट टुकट सारे करा लिए थे, लेकिन टिकट वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन टिकट हम लोग सारे गेम जो जाने वाले थे वो कैंसिल कर दिए। तो जैसे लॉकडाउन खुलती है तो हम लोग जाएंगे प्रैक्टिस के लिए भी। और तो हम सर से यही रिक्वेस्ट करते हैं, सर आप फुटबॉल का भी कैंप लगाएं और जितना फैसिलिटी दिए हैं हम लोग को भी चाहिए, हम लोग भी खिलाड़ी है तो हम लोग को भी वही फैसिलिटी दीजिए। सरिता तिर्की तुपुदाना थाना अंतर्गत बिरमाद में अपने पति के साथ रहती है। लॉकडाउन के कारण पति का काम बंद हो गया है। पति एक छोटा मोटा चाय पकौड़ी का दुकान चलाता था, लेकिन संक्रमण के कारण व्यवसाय बंद है। बिरमाद गांव में एक छोटी सी बस्ती में खपड़ैल घर में सरिता रहती है। सरिता खुद ही गाय के लिए चारा लाती है, घर का कामकाज करती है और परिवार के खर्च के लिए रेजा कुली का काम भी करती है। घर चलाने के लिए तो अभी रेजा कुली का काम कर रहे हैं। उससे पहले हम दूसरे कोई का घर में जाते थे जूठा बर्तन धोने के लिए, लॉकडाउन के कारण वो मना कर दिए, तो अभी रेजा कुली का काम कर रहे हैं। तो अच्छा नहीं लगता है, तो भी पेट पालने के लिए हम रेजा कुली काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन से हम नहीं जा रहे क्योंकि अभी हम लोग को सीधी नियुक्ति के लिए हम लोग को जाना पड़ता है मोराबादी, तो इसलिए अभी दूसरे कोई काम पे रखे हैं मेरे बदली, तो अभी नहीं जा रहे हैं। पिछले दिनों सरकारी मदद के तौर पर वार्ड पार्षद ने 2 बोरी चावल सरिता को दिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। तो ये चावल जो दी गई वो किसके तरफ से दी गई? आपके तरफ से मदद की है या फिर वो एमओ सर जो है सरकार के जो नुमाइंदे हैं खाद्य आपूर्ति विभाग से हैं क्या वो? हाँ दोनों, वो हमको फोन किए, फोन से बोले कि हमको आप उनको खोजिए, तो फिर हम लोग खोजे, तो फिर एमओ सर को हम बोले ऐसे ऐसे बात है बोल के, तो फिर एमओ सर
खुद से आए और डीलर को साथ में लेके आए। क्या क्या दिए आप लोग? चावल 2 बोरी था और थैली में तो कुछ खाद्य सामग्री ही था। तो कितने होंगे वो चावल, कितने होंगे लगभग 2 बोरी जो आप बोलते हैं? 50 केजी का आता है। 25-25 केजी का 2 बोरी। और कुछ मदद उनको मिला? अभी तो फिलहाल में कुछ और मदद नहीं मिल पाया है। आपके द्वारा कोई प्रयास किया जा रहा है, चूँकि आपके वार्ड पर सद हैं आप यहाँ की और आप ही की वार्ड की वो बच्ची है जो गोल्ड जीती है, तो आपके द्वारा भी कुछ ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि उसको सहायता पहुँचे? हम ऊपर उसको जो खेल विभाग में है ये बात एमओ सर से कहलवा के हमको उनको बोल दिए हैं कि उनको बोल दीजिएगा तो इनका कुछ पैसा रुका हुआ है तो मिल जाना चाहिए, और जो खेल विभाग से जो भी पैसा आता है वो उनको मुहैया कराया जाए ताकि इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। सरिता रोते रोते कहती है कि इससे क्या होगा, घर में कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज के लिए पैसे भी नहीं है, उसने खेलने के लिए दूसरों से कर्ज भी ले रखे हैं। और बहुत ज्यादा मतलब जो जिसे पैसा हम लिए हैं वो भी हम मेरा घर रोज आना जाना करता है, कब पैसा देगा कब पैसा देगा, अरे हमको मिलेगा, हम बोलते हैं उनको हमको मिलेगा भैया तो हम आपको रिटर्न कर देंगे, ऐसा नहीं, हमको भी दुख हो रहा है कि आपको हम इतना लेट कर रहे हैं, हमको भी खराब लग रहा है, लेकिन क्या करेंगे, ब्रेजा कुल्ली भी करेंगे तो घर को देखेंगे चलाएंगे कि हम वो कर्जदार को देंगे हम पैसा। तो मैं सर यही रिक्वेस्ट है कि कुछ हेल्प कीजिए, वर्ल्ड कप के लिए हम गए मतलब सिलेक्शन हुए हैं उसमें भी 2 लाख रुपए लगने वाला है वहाँ पे, तो हम सोचे ये पैसा मिल जाएगा तो उनके खेलने के लिए भी वर्ल्ड कप के लिए भी रखेंगे पैसा और कुछ घर में भी लगाएंगे, लेकिन सर ने बोले वो पैसा नहीं मिलेगा ये वो बहुत सारा बात बोल दिए सर, तो एक गरीब को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कर्जदार वसूली करने भी आते हैं तब सरिता मानसिक रूप से और परेशान हो जाती है, हर पल अपनी जिंदगी से संघर्ष कर रही है इस उम्मीद में कि एक दिन उसका सपना पूरा होगा, इसी उम्मीद में समय निकलता जा रहा है। सरिता तिर्की के सुने आंखों में कई दर्द छिपे हैं, पौष्टिक खाना नहीं मिलने से स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, वो कहती है कि लॉन बॉल खेलने और गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत खुश हुई थी। गोल्ड मेडल जब हम लोग जीते उसके बाद हम गला में हमको जब पहनाया गया तो अपने आप हमको एक रोंगटा सा खड़ा हो गया था कि हम एक ऐसा खिलाड़ी है कि हम अपने दम पे जीते और गोल्ड मेडल भी पहने, और हम अपने भगवान को सबसे पहले याद किए और माँ बाप लोग को याद किए कि वो लोग जितना हमको दुख के घड़ी पे जो पैसा दे के हमको प्रैक्टिस भेजे वो जितना पैसा लगा वो हम रिटर्न कर चुके हैं, मेडल पाके हमको पैसा भी मिला और मेडल पाए तो हमको गर्व की महसूस हुआ कि चलो मेरा माँ बाप का मेहनत रंग लाई। लेकिन आज जिस तरह से उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है उसको देखते हुए कहती हैं कि अब मेरे बच्चे भी होंगे तो उन्हें कभी खेलने के लिए नहीं बोलूंगी, जबकि सरिता तिर्की का सपना था कि बेटा हो या बेटी स्पोर्ट्समैन ही देखना चाहती हूं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए बहुत तकलीफ होती है। मेरे बेटी रहती तो हम मेरा सपना यही था कि मेरा बेटी रहती चाहे बेटा रहता तो हम उसको अच्छा से पढ़ा लिखा के हम उसको मतलब गेम में डालते हैं, लॉन बॉल में चाहे हॉकी में चाहे फुटबॉल में कहीं पे भी, हम मेरा सपना था कि वहाँ पे अपना बच्चा को स्पोर्ट बनाए, लेकिन ऐसा हमको निराशापन दिख रहा है तो मेरा उम्मीद भी टूट रहा है कि हम जब हम इतना दुख में है तो मेरा बच्चा लोग कितना दुख में होंगे, जब मेरा हेल्प नहीं कर रहा कोई सरकार तो मेरा बच्चा को कैसे हेल्प करेगा वो लोग, जो हमको हक मेरा चाहिए सीधी नियुक्ति के लिए वो हमें नहीं मिल रहा है, हम लोग का समय नहीं है, समय जा रहा है और जो आने वाला पीढ़ी वो लोग क्या पाएंगे, जो हम लोग नहीं पा रहे तो वो लोग क्या पाएंगे। सरिता का घर खपड़ैल है, छोटा सा रसोईया है जहां लकड़ी का चूल्हा जलाकर खाना वगैरह बनाती है, सरकारी सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। सरिता तिर्की जिस घर में काम करती थी वो भी छूट गया
कोरोना संक्रमण के कारण अपने जीते हुए मेडल्स को रखने के लिए एक अदद बैग या कहें कि ढंग के बॉक्स भी नहीं है। छोटे से टीन के डब्बे में अपने सपनों के मेडल को किसी तरह ठूंस कर रखी है जो एक दूसरे से उलझे हुए रहते हैं। ठीक उसी तरह से सरिता तिर्की की जिंदगी भी उलझ गई है और इसी को सुलझाने के लिए कभी खेल विभाग की चक्कर लगाती है जहां से आश्वासन नहीं फटकार मिलता है और ये बेटी यही सारा हिम्मत हार जाती है क्योंकि इसे धमकी मिलती है। इस बेटी पर आरोप लगता है। आखिर इस आदिवासी महिला खिलाड़ी का दोष क्या है, क्या गलती की है, इसी बात को बार बार सोचकर रोती है और पति अपनी पत्नी की बेबसी को देखकर तड़प जाता है। कुछ नहीं होते हुए भी अपनी पत्नी को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन देता है। अभी मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, ये काम करने के लिए जाती है तो हमको बहुत खराब लगता है कि हम इसको जो काम करवाते हैं हम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मैं शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमजोर भी हूँ इसीलिए वो काम नहीं कर पाता हूँ, ये इसीलिए जाती है काम करने। और यहाँ माँ लोग बोलती भी है कि इतना खेलने जाती है तो क्या फायदा, जब सरकार एक रुपया नहीं देगी कुछ मदद नहीं करेगी ठीक से, तो इसे मना भी करते हैं लेकिन हम हमेशा इनको सपोर्ट करते हैं कि हार मत माने, जब तक हम हैं साथ तेरे रहेंगे, खेलेगी तुम अच्छा से, बस यही बोलते हैं। ट्रैवल इंडिया टीवी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विनम्र निवेदन करता है कि झारखंड की बेटी को जल्द से जल्द सरकारी सहायता मुहैया कराया जाए। ट्रैवल इंडिया टीवी के लिए मनोज शरण। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.travelindiatv.com।